नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर राज्य में कोरोना संक्रमण से हुई मौत के मामले का ऑडिट करने के लिए कहा है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने यह बताया है कि मुख्यमंत्री बघेल ने संक्रमित मरीजों की मृत्यु के मामले में अचानक हुई बढ़ोतरी पर चिंता जताई है। अधिकारियों ने बताया है कि संक्रमण से गुरुवार को राज्य में 15 लोगों की मृत्यु होने की सूचना के बाद मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को प्रत्येक मामले का ऑडिट करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को संक्रमण की रोकथाम और संक्रमितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए भी कहा है। अधिकारियों ने बताया है कि बघेल ने संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए अस्पताल में भर्ती करने और होम आइसोलेशन में उपचाराधीन मरीजों के स्वास्थ्य की सतत निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा है, साथ ही COVID-19 दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास में चिड़ावाद में कही गई कुछ बातें, जहां पर उन्होंने शुक्रवार को करीब दोपहर 12 बजे महिला स्वयं सहायता समूह के बांस रोपण के द्वारा उन्नयन और सीएम राइज स्कूल के भोजन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर हमने इस साल सीएम राइज स्कूल शुरू कर दिया है। साथ ही चिड़ावाद में जो है स्कूल खोल रहे हैं और अब 16 करोड़ का भवन भी बनाया जाएगा। चिड़ावद में खेले गए मैदान खेल के मैदान भी खोले जाएंगे और उन्होंने सेवा सरकारी समिति बनाने की भी बात कही। दौरे के दौरान सीएम सबसे पहले सीएम बूथ स्तर कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने बूथ कार्यों की जानकारी दी है। इसके बाद सीएम ने राशन दुकान का निरीक्षण किया और साथ ही दत्त मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद नगर के ही पूर्व सरपंच के घर उन्होंने भोजन किया है। इसके बाद महिला स्वयं सहायता समूह के बांस रोपण के द्वारा उन्नयन और सीएम राइज स्कूल के भोजन के बाद कार्यक्रम को संबोधित किया। और छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सीतापुर विद्युत विभाग में 2,94,29,482 रुपए के गमन का मामला सामने आया है। इधर विद्युतीय वितरण कंपनी और उप संभाग बतौली के सहायक अभियंता आशुतोष कुजूर के द्वारा जांच प्रतिवेदन के साथ ही आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसी आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। साथ ही थाना प्रभारी रुपेश नारंग ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर अनियमितता के आरोप पर विभागीय जांच में 2,94,29,482 रुपए के गमन की पुष्टि होने पर FIR के लिए आवेदन दिया गया था। विद्युत विभाग सीतापुर में जो इसके अंतर्गत बेटला और मेंडर ब्लॉक की कार्यालय भी शामिल है, इनमें कार्यरत कर्मचारियों राजेंद्र कुमार पन्ना सहायक अभियंता विद्युत विभाग, गणेश प्रसाद सिंह कार्यालय सहायक अभियंता मैनपाट, अरविंद सागर विद्युत वितरण केंद्र बेटला, सुनील कुमार केरकेटा लाइन परिस्थित समीदा पेटला विद्युत वितरण केंद्र पेटला, श्रीकांत खलको ग्रामीण ऑपरेटर विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय सीतापुर, इन पांचों के द्वारा जो है कुल 2,94,29,482 रुपए का गबन किया गया है। प्रति अशोक कुजूर की रिपोर्ट पर थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 21/2022 धारा 409 120 भारत